24 ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ 2024 ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 24 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਜਨ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਜਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਜਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਸ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਪੁਰ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਦਰ ਥਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸਵੇਰ ਸੇ ਕੱਲ ਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ तो इसलिए मुझे बहुत पता नहीं है तो अगर अच्छा रहेगा या मान साहब से लेने बैठे किसी ने जिसको पता हो गलबात चल रही है तो सरकार बह के हर मसले का हल कढ़ भी रही है तो जिन्हें भी पिछले दिनों तुम देखोगे प्रोटेस्ट हुए हैं ज़्यादातर सारिया का सरकार ने बह के उन्होंने जत्थेबंदी ने हल कढ़ लिया कर दिया जरनैल जी पर अज उन्होंने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है धरना भी जबरदस्ती चुकवा दिया गया है जेडे टेंट लगे से वो भी पट दिए गए कि जीरा जी मैं पूरी उम्मीद है जिदा कि मान साहब पहला भी यह सारे मसले में सुलझाने कामयाब हुए हैं इन बहुत छेती सुलझा दिया जाएगा एक मनजिंदर सिंह सरसा वालों कहा गया कि पंजाब के जबरी धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो इन्हों की पुरानी जी पार्टी सी जिदे आप आगू होंगे उन्होंने की किया इन्ने साल एस जी पी सी की पंजाब सरकार की बागडोर हमेशा इन्होंने हाथ रही है हूँ बीजेपी शामिल हो के तुम अपने ही जो थोड़ा पास्ट है उन्होंने दुत्कारो तो अपने आप में गाला कटन वाली गल होगी साड़ी नैशनल काउंसिल की मीटिंग हुई है तो वे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने सब तो पहला तो वधाई दी है गुजरात दिल्ली एम सी डी इलैक्शन वास्ते जो नतीजे आए हैं वो तो उस तो बाद देश का जो सब तो भखवा मुद्दा है कि चाइना हर दिन सानू अखा कड़ के बुखाता है साढ़े बार्डर से हर दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है तो क्यों ना चाइना के समान का बाईकाट केंद्र सरकार वालों किया जाए ता जो एक सख्त संदेश चाइना को मिले इस सख्त संदेश देने की थान पर जो 65 बिलियन डॉलर का कारोबार होंदा सी उन्हें वधा के 95 बिलियन डॉलर का कर दिता गया इस चीज़ पर सख्त कार्रवाई की लोड़ है सिर्फ भाषणों नाल कुछ नहीं होता भावें अमित शाह जी जो मर्जी कही जान पर जब तक एक सख्त कार्रवाई चाइना तो इंपोर्ट रोक के नहीं की जाएगी केंद्र सरकार वालों एक सख्त मैसेज तब तक नहीं जा सकता आप लोग 3 राज्यों की प्लानिंग्स भी कर रहे हैं देखिए आज नेशनल काउंसिल की मीटिंग हमारी हो रही है और नेशनल काउंसिल में पूरे देश के जो भी हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं वो हैं जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं इसलिए और 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आज चर्चा होगी सबसे पहला तो ये कि जिस तरह से चाइना हमारे देश को आंखें दिखा रहा है धमकी दे रहा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर सीएम साहब आप लोगों ने स्पीच भी सुना दूसरा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज देश के अंदर महंगाई बहुत चरम पर है और छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और तीसरा जो मुद्दा है वो है बेरोज़गारी आज युवा पढ़ाई कर रहा है सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसको नौकरियाँ नहीं मिल रही इसके ऊपर आज चर्चा है और इस पूरे नेशनल काउंसिल से ये संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा कि भाई सरकार से केंद्र सरकार से ये अपेक्षा है कि इन तीनों मुद्दों के ऊपर एक ठोस रणनीति के साथ मिलकर काम इंटरनली क्या आप लोगों ने कुछ ऐसी डिस्कशन भी करा है क्योंकि कल अगले साल 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं अभी चर्चा चली रही है पूरे दिन की मीटिंग है तो चर्चा चलती रही हमारी पार्टी हिमाचल दास राष्ट्रीय पार्टी बनी है मैं इसके लिए सभी हमारे जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल वो उनकी जो कट्टर ईमानदारी है कट्टर देशभक्ति है उनको भूर मिला है बल मिला है और मैं तो सभी देशवासियों को यही निवेदन करूंगा कि आइए एक देश को आगे बढ़ाने के लिए देश को नंबर 1 बनाने के लिए हम इस पार्टी का साथ एक महत्वपूर्ण सवाल जीरा में फैक्ट्री लिकर फैक्ट्री के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सर लिकर पॉलिसी जी सरकार ने तो फिर हमारे अंदर कहाँ से घुस के आ रहे हैं जो चाइना की जो मिलिट्री है वो कहाँ से आ रही है इसीलिए हमारा देश है बहुत संगठित करके हमें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए जोरमाजरा साहब आज बैठक हुई है बैठक में आखिर चर्चा क्या क्या हुई है एक तो स्ट्रक्चर है जो सारे देश में लिखे जाना उसको मजबूत करना है और स्ट्रक्चर यही नहीं कि एक
सूबे तक रह जाए, उसको पूरे देश में लेके जाना है और देश में जो आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर है वो मजबूत कर। जोरमाजा साहब, एक घटना पंजाब में घटी है कि जिस तरीके से जो जीरा के अंदर फैक्ट्री के अंदर किसान बैठे हुए थे, पुलिस ने उनको हटा दिया गया है, काफी टेंस पोजिशन वहाँ की बनी हुई है। हम तो अभी यहाँ पे मैंने अभी देखा नहीं है, मैं जा रहा उसके बारे में कुछ नेशनल काउंसल की जी है वो मीटिंग से जी 11वीं मीटिंग है ये आम आदमी पार्टी जेडे अरविंद केजरीवाल जी के साथी है सारे लिए बड़ी ये खुशियां वाली है क्योंकि इस साल के आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ जो अचीव किया। तुम देखो इस तो पहला साड़ी कल दिल्ली से सरकार इस साल से साड़ी पंजाब की सरकार भी बन रही, साड़ियाँ गोवा के भी सीटा आई तो गुजरात इलेक्शन जित मतलब कि 5 सीटा आने तो बाद आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी जी इस साल के जी बनी है तो बड़ी खुशी की गल है। अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी नाल जी अगे बढ़ रही है तो 11 साल के जी नैशनल पार्टी है जी बन गई है तो अज पूरा देश है जोड़ा वह अरविंद केजरीवाल क्योंकि सारी जी राजनीति दूसरिया पार्टिया की जात पात की ड्रोन धमकाउण की CBI ED के नाल लोगों को डराउण की कोई भी हथकंडा अपना के भी सत्ता दे विच आउणा और राजनीति चल रही है। एक पास अरविंद केजरीवाल जी की डिवेलपमेंट की लोगों अच्छी एजुकेशन फ्री इलाज डिवेलपमेंट की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है तो लोग दिनों दिन आम आदमी पार्टियां जुड़ रहे आम आदमी पार्टी का काफिला बढ़ रहा तो दिन दूर नहीं जिदन अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री धरना चल रहा है किसानों उठाया गया सर जी जीरा फैक्ट्री को किसान